और अब बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर आज बीजेपी मुख्यालय पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां बीजेपी की महिला सांसद और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करने वाले हैं। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा से भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हो गया। बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं डला। बिल पास होने के बाद सभी महिला सांसदों ने संसद के बाहर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री ने इसे लोकतांत्रिक यात्रा में अहम क्षण बताया और देश की जनता को बधाई भी दी है। संसद भवन के बाहर पीएम मोदी का स्वागत करने वाली ये महिला सांसद और मंत्रियों का समूह महिला आरक्षण बिल के पास होने से बेहद खुश हैं। बुधवार को जैसे ही राज्यसभा ने बिल पर मुहर लगाई, वैसे ही महिला सांसद खुशी से झूम उठी। बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद के बाहर पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया और मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। अब आज भी नारी शक्ति वंदन आरक्षण बिल के पास होने को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में अभिनंदन करेगा। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी और दिल्ली एनसीआर से जुड़े आसपास की बीजेपी की हजारों महिला कार्यकर्ता पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत करेंगी। बीजेपी ने संसद के विशेष सत्र के 3 दिनों में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और मशहूर महिला हस्तियों को संसद भवन लाकर न सिर्फ नया संसद भवन दिखाया, बल्कि महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पेश करने से लेकर चर्चा और पारित करने के मौकों का साक्षी भी बनाया।